हे गाइस, माय नेम इज वीरेन सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट रनिंग एकेडमी। यहाँ पे कई सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं। अभी डीबीटी जेआरएफ को हम टारगेट कर रहे हैं। फ्री सेशंस आपके यूट्यूब पे अपलोड किए जाएंगे और होप कि आप लोगों को सेशंस पसंद भी आएंगे। अगर आपके कोई सजेशंस होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब। हे गाइस, वेरी वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज वीरेंद्र सिंह और आप जुड़े हुए स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के साथ। तो क्रैश कोर्स चल रहा है जाके आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। जैसा कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ स्टिकी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ क्वेश्चंस के साथ। डेटा बिलो आर गिवन, ये डेटा जो नीचे दिया हुआ है, फ्रॉम द मिशेलसन स्थाल एक्सपेरिमेंट विच मॉडल ऑफ डी एन ए रिप्लीकेशन इज सपोर्टेड बाई द रिजल्ट सोन इन द टेबल बिलो। ठीक है, तो कौन से मॉडल को सपोर्ट करता है अगर आप मिशेलसन एंड स्थाल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो अब यही दिक्कत आ जाती है कि आप जब इस एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं, परसेंटेज ऑफ हैवी डी एन ए, हाइब्रिड डी एन ए एंड लाइट डी एन ए। ठीक है, तो हैवी, लाइट और हाइब्रिड डी एन ए के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हाइब्रिड डी एन ए यहाँ पे 0% है। जब आप हाइब्रिड डीएनए के ऊपर बात करेंगे तो हाइब्रिड डीएनए जो है वो 0% है। सो हाइब्रिड डीएनए के ऊपर जब हम बात करें तो हाइब्रिड डीएनए 0% है, यानी कि हैवी डीएनए का कोई मिक्सचर नहीं है, लाइट डीएनए का कोई मिक्सचर नहीं है। ये अपना अपने पास है, ये अपना अपने पास है, मतलब ये जो है हाइब्रिड डीएनए का कोई भी सेगमेंट नहीं आ रहा है। मतलब अगर नॉर्मली बात करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, तो थ्री मोड्स ऑफ द रिप्लिकेशन के होते हैं। ठीक है, वो तीन मोड्स रिप्लिकेशन के क्या है, देखिएगा कि अगर हम N15 आपके पास डीएनए है, अगर 15 और 15 डीएनए है, इसको आप N14 मीडियम में जब आप कहते हैं कि पास करते हैं, पास करने के बाद यू विल गेट लाइक कि आपके पास एक जो होता है 15 और एक जो होता है 14 आता है, अगर ये जो होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है। तब अगर सेमी कंजर्वेटिव होगा तो भी आपको जो होगा हाइब्रिड मिलेगा, क्योंकि एक जो होता है इस सेमी का मतलब हाफ और कंजर्वेटिव का मतलब स्ट्रैंड, हाफ ऑफ द स्ट्रैंड विल बी कंजर्वेटिव। अगर ये डबल स्ट्रैंडेड है तो हाफ ऑफ द स्ट्रैंड विल बी कंजर्वेटिव, मतलब एक स्ट्रैंड कंजर्व होगा, एक 15 होगा जो कि ओरिजिनल होगा और एक जो होगा लाइट। हाइब्रिड आपको मिलेगा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में। अगेन अगर ये जो है आपको हो सकता है कि कुछ दूर N15 मिले और फिर उसके बाद N14 मिले, फिर उसके बाद फिर से 15 मिले, बीच बीच में डिस्पर्स हो जाए, तो ऐसे मॉडल को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। ऐसे मॉडल को डिस्पर्सिव मॉडल बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको अगर सिर्फ अलग से 15, दोनों 15 मिल जाए और अलग से आपको दोनों जो हैं वो 14 मिल जाए, मतलब यहाँ पे कोई भी हाइब्रिड नहीं मिला, जब ऐसे कंडीशन हो तो ऐसे मॉडल्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव मॉडल। ऐसे मॉडल को बोला जाता है कंजर्वेटिव मॉडल, जिसमें कि आपका कोई भी केस, अगर कंजर्वेटिव मॉडल के ऊपर बात करते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि इस कंजर्वेटिव मॉडल में कोई भी हाइब्रिड नहीं मिल रहा, देयर इज नो हाइब्रिड, हाइब्रिड आपको नहीं मिलता। अगर आप डिस्पर्सिव मॉडल के बात करें या आप सेमी कंजर्वेटिव के मॉडल की बात करें, इन दोनों में आपको हाइब्रिड मिलता है, लेकिन कंजर्वेटिव मॉडल में कोई भी हाइब्रिड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, 15 और 14 का कोई भी स्ट्रैंड नहीं मिलता, कंजर्व रहता है 100%, यानी दोनों के दोनों स्ट्रैंड को कंजर्व करता है। सो यहाँ पे देखेंगे हाइब्रिड डीएनए मिल ही नहीं रहा है, जब हाइब्रिड डीएनए नहीं मिल रहा है तो दिस मस्ट बी कंजर्वेटिव मॉडल। ये जो होना चाहिए ये कंजर्वेटिव मॉडल होना चाहिए, ना कि सेमी कंजर्वेटिव, ना कि डिस्पर्सिव, ना कि रैंडम। ठीक है, सो दिस इज द कंजर्वेटिव मॉडल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। यूनिवर्स कल्टीवेशन के ऊपर बैच रिएक्टर या ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं जिसपे कि कई लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या नहीं समझने वाला है, तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है न्यूमेरिकल के दो एस्पेक्ट्स बताने वाला हूँ, एक फॉर्मूला बेस्ड और एक मेंटोस जिंदगी बेस्ड, जो कि मैं फॉलो करता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को एक ऐसे लोग हैं जो कि टैलेंटेड लोग जो सॉल्व कर लेंगे और एक ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला सॉल्यूशन, दैट एक फॉर्मूला होता है, डाइल्यूशन रेट इज इक्वल टू फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना। डाइल्यूशन रेट
डी इज नोन एज डाइल्यूशन रेट. डाइल्यूशन रेट इज इक्वल टू फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम. फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम, दिस इज द केस हियर. ये जो है आपका यहाँ पे केस हो जा रहा है. डाइल्यूशन रेट इज इक्वल टू फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम, ये जो है यहाँ पे केस बन रहा है. नाउ इसके अलावा जब है कि यहाँ पे दिया हुआ, देखिएगा कि दिस वॉल्यूम दिया हुआ 10 लीटर, वॉल्यूम दे दिया है 10 लीटर, यहाँ पे पुट करो. फ्लो रेट आपसे पूछा है, डाइल्यूशन रेट यहाँ पे दे दिया है 0.2 पर आर. डाइल्यूशन रेट जो है 0.2 पर आर दे दिया है. ये इसको इधर मल्टीप्लाई करो, फ्लो रेट आ जाएगा 0.2 × 10 मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 2 लीटर पर आर. फर्स्ट वन विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, फॉर्मूला जिसको पता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लेगा. फॉर्मूला मैं क्या बताया हूँ, मैं बता देता हूँ यहाँ पे भी कि डाइल्यूशन रेट इज इक्वल टू फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर, डाइल्यूशन रेट इज पर आर इनवर्स, एंड फ्लो रेट मस्ट बी लीटर पर आर. ठीक है, ये जो होता है फॉर्मूला होता है. नॉर्मली डाइल्यूशन रेट को डिनोट करते हैं डी से, फ्लो रेट को करते हैं एफ से, वॉल्यूम को करते हैं वी से. ये तो था नॉर्मल फंडा. व्हाट इज अबाउट मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी का क्या कॉन्सेप्ट है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि अगर हम मेंटोस जिंदगी के ऊपर बात करते हैं तो देखिएगा कि ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जब मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कंटीन्यूअस कल्टीवेशन 10 लीटर वर्किंग वॉल्यूम 0.2 पर आर डाइल्यूशन रेट, मुझे कुछ भी नहीं पता है भाई क्या है फॉर्मूला क्या नहीं है. अब देखो मैं जाऊंगा आंसर पे, आंसर में और जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में ये बोल रहा है लीटर पर आर या मिली लीटर पर आर या मिली लीटर पर आर लीटर. अगर आप देखेंगे यूनिट इज समथिंग जो कि वॉल्यूम इनटू पर आर पे चल रहा है. मतलब नॉर्मली अगर बात किया जाए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये चल रहा है लीटर इन पर आर. तो लीटर का मतलब है वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा होगा कहीं ना कहीं. ये है लीटर, इसको लीटर वाले को उठाना है. लीटर कितना दिया हुआ है देखो, बहुत सिंपल सा है. ये देखो लीटर है, इस लीटर को उठा लाओ, लीटर पर आर में लीटर को उठा लाओ, 10 लीटर था. और ये है पर आर, तो इसको पर आर के लिए 0.2 पर आर. आर इनवर्स मतलब पर आर होता है, आर इनवर्स का मतलब पर वन अपॉन ये होता है. तो ये देखो लीटर पर आर, तो एग्जैक्टली ये आपका 0.2 आ गया. इवन दो यू डोंट नो फॉर्मूला ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट बाय बैलेंसिंग द यूनिट. एक क्वेश्चन नहीं है, अनगिनत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूं, ये भी देखने की कोशिश करता हूं. सो जैसा कि मैंने बताया, जस्ट सिंपल क्या करना था, लीटर और पर आर पे काम करना था. लीटर दिया हुआ था 10, पर आर दिया हुआ था 0.2. यू विल गेट द 2 लीटर पर आर, सिंपली नथिंग एल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ऑल्सो. अब देखना कि सेम फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है, दोनों बताऊंगा. इफ द डबलिंग टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज 0.63 आर, द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट विल बी. ठीक है, डबलिंग टाइम दिया हुआ है, डबलिंग टाइम को बोलते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई म्यू. दिस इज द फॉर्मूला इफ यू डोंट नो. टी हाफ इट इज नोन एज डबलिंग टाइम, इसी को हम बोलते हैं डबलिंग टाइम. एंड म्यू इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट. दिस इज द केस, ये जो है फॉर्मूला है, इसमें 0.693 दिया हुआ है. इसका जो फॉर्मूला होता है दो तरीके से लिखे जाते हैं, समझने की कोशिश करना. ठीक है, तो अगेन जैसा कि मैंने बताया, मैं फॉर्मूला सॉल्यूशन स्लाइड पर लिख देता हूं. तो ये क्या हो जाता है कि मैंने बताया टी हाफ दैट इज जनरल, ये है डबलिंग टाइम. जिसको नहीं पता है फॉर्मूला लिख लेगा फ्यूचर के लिए, दिस इज अ डबलिंग टाइम. नाउ आफ्टर दैट डबलिंग टाइम दिस इज ln 2 डिवाइडेड बाय म्यू. ln 2 को हम 0.693 लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू होती है. म्यू इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, जैसा कि बताया गया स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि ln म्यू जो ln 2 है इसकी वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाय म्यू, ये केस बन जाएगा. ठीक है, तो अब इस केस में म्यू की वैल्यू दी हुई है कि पूछा है, म्यू की वैल्यू पूछा है, टी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.693 आर. ठीक है,
सो म्यू की वैल्यू पूछा है, तो म्यू इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई ये 0.t हाफ हो जाएगा, जो कि 0.693 आर दिया है, कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1 आर इनवर्स. दिस इज द आंसर विद द फॉर्मूला. अगेन अगर ये पता चल गया तो अगेन में चलने की कोशिश करते हैं. देखिएगा विथ यूनिट बैलेंस ये दिया हुआ है आर में, और ये दिया हुआ है पर आर पर मिनट, पर आर पर मिनट मतलब इनवर्स में दिया हुआ है, यानी ये वैल्यू 1 अपॉन होगी समथिंग, कुछ ऐसा होगा जो समथिंग में चल रहा होगा कि हाँ भैया ये नॉर्मली इसके ऊपर हम बात करते हैं, और इसमें कोई भी 0.693 है नहीं. तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, ठीक है, तो अगर कॉमन सेंस लगाते तो ये जो 693 ln2 की वैल्यू, थोड़ा सा फॉर्मूला पता होता तो ये वैल्यू जो होता इसी के बराबर जाएगा 1 पर आर, क्योंकि 693 फॉर्मूला में आता है. अगेन ये नीचे आएगा और ये ऊपर जो है 693 से आपका केस बन जाएगा. यू कैन यूज इट, इस तरीके से आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आगे भी क्वेश्चन देखो, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत अलग है. एयरेशन इन अ फर्मेंटर इज एक्सप्रेस्ड एज VVM, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ फर्मेंटर जो आपके पाए जाते हैं पर मिनट के केस पे. दैट एयरेशन जो स्पीड है, कितना वॉल्यूम एयर का कितने लीटर फर्मेंटर में पर मिनट एक्सप्रेस किया जा रहा है. व्हाट विल बी द VVM इफ एयर इज पास्ड एट 2000 लीटर पर मिनट विद द वर्किंग वॉल्यूम 10 मीटर पर क्यूब. अब VVM में पूछा जा रहा है वॉल्यूम पर मिनट. नॉर्मली बताया जा रहा है कि इतना लीटर ऑफ एयर इतने लीटर ऑफ वॉल्यूम पर मिनट. अगर आपको सिर्फ यूनिट पता होता, ऑलरेडी दे दिया है वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, VVM का अगर जिसको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, समझने की कोशिश करना. VVM ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं पर वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, फर्मेंटर, एंड दिस इज मिनट पर मिनट. एग्जैक्टली ये केस क्या है, देखो लीटर पर मिनट दिया है, ये है मीटर क्यूब. अब यहीं पे पंगा फंसेगा कि मीटर क्यूब को आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी लीटर लीटर कैंसिल कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो आपका वॉल्यूम और वॉल्यूम का केस नहीं बनेगा. ठीक है, कितने वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ लीटर नहीं बनेगा कि ये वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम पर मिनट. यानी कि जिसके लिए ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है, इन्होंने देखिए लीटर पर मिनट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? लीटर पर मिनट. एयर का आपने रखा लीटर पर मिनट, एयर के लिए आपने रखा दैट इज 2000 वैल्यू दिया हुआ है 2000 लीटर पर मिनट. देखिए यूनिट आपने लीटर पर मिनट कर लिया, अब इसके नीचे लीटर एक वॉल्यूम ऑफ एयर और पर मिनट तो हो चुका है, वॉल्यूम ऑफ फर्मेंटर चाहिए, ये है 10 मीटर क्यूब. भाई ये कैंसिल आउट होता नहीं दिख रहा है, मीटर और आपका यूनिट होमोजेनिटी मेंटेन करना है, तो 1 मीटर क्यूब, जिसको नहीं पता लिख दे रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में. सो ये जो है आपका 2000 डिवाइडेड बाय दिस, दैट मींस 2000 लीटर पर मिनट डिवाइडेड बाय दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 10 into 10 to power 3 liter. 10 टू पावर 3 से ये गया, और 10 से इसको डिवाइड करोगे, दिस इज 0.2 VVM लीटर लीटर पर मिनट आ गया. सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस. यूनिट को बैलेंस करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, आप डेफिनेटली सॉल्व करोगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो. होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे अप्रिसिएट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और ताकि वो लोग भी इस वीडियो का हेल्प ले सके. आगे भी मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आता रहूँगा और इसी तरीके से आपकी हेल्प करता रहूँगा. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. Dream is to clear the CSIR NET Life Science. I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.